अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेडलाइंस। फवाद चौधरी पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी हमरा। फवाद चौधरी ने कहा वजीर आजम इमरान खान भी मैच देखने आएंगे। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम ने ये मार्च हमारे लिए खूबसूरत बनाया, ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सिंध में पीपल्स पार्टी पर निशाने, कहा सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहचान गए, लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके, सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। बिलावल जरदारी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जलसा किया। रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त दायर, बतौर वज़ीर आला आवाम के अरबों रुपए बचाए, मेरे इकदाम से मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा, रमज़ान शुगर मिल में शेयर होल्डर नहीं हूं, जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी, नैब अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सका। हुकूमत की अपोजिशन को पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देखने की दावत, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले गाड़ी पकड़े स्टेडियम पहुंचे, इनके लिए भी अच्छी अरेंजमेंट करेंगे, आवाम के दरमियान बैठें, मैच देखें और हिकमत अमली बनाएं। जब भी मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा होता है अपोजिशन उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अपोजिशन को स्टेडियम में बयानी की दावत। अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा शहबाज शरीफ की अलालत के बायस हतमी तारीख का तायिन नहीं हो सका। साबिक सदर आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, शहबाज शरीफ की बजरिया टेलीफोन शिरकत, मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारे पास अक्सरियत है, कभी इम्कान है कि हुकूमती इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे, एक दो रोज़ में तहरीक पेश करने का मरहला आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन, मार्च आज मुल्तान से खानेवाल और फिर साहिवाल पहुंचेगा, बिलावल चीचावतनी और फिर साहिवाल में कारकुनों से खिताब करेंगे। मार्च के पाँचवें रोज़ जियालियों ने मुल्तान में क्याम किया, बिलावल ने अहमदपुर शर्किया और मुल्तान में जियालों का लहू गरमाया। ये थी एन ए हेडलाइंस, मजीद खबरों के लिए देखते रहें एन ए न्यूज़।